अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, आज है फ्राइडे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए चाय, एंड माय हस्बैंड इज़ डूइंग तलावत हियर। और मैंने आपके साथ दुरूद पाक शेयर किया, इट्स अ फ्राइडे दुरूद, तो इसको लाजमी पढ़ा करें। और जितना ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा जुम्मे वाले दिन दुरूद पाक का व्रत रखा करें। हाँ जी, तो चाय मैं पी चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर तस्बीह कर रही थी। तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आज हमें बहुत सारे काम हैं, हम वो करेंगे। नमाज़ वगैरह से हम फारिग हो चुके हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। अब असर में काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं। सोच रही हूँ इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लुक हाउ मेसी, तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि आज बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की सी धूप है, कुछ देर पहले तेज़ हवाएं चल रही थी और ठंड है। तो चलिए जी, अब करते हैं कुछ काम और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये देखें, ये मेरी स्कूल टाइम की फ़ोटो है, जब मैं आई गेस 7th या 8th क्लास में होती थी। और स्कूल मेमोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आपका स्कूल का टाइम वो होता है जो आप कभी नहीं भूलते। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब की बात अलग होती है, लेकिन जो स्कूल टाइम होता है वो आप कभी नहीं भूलते। स्कूल टाइम के फ्रेंड्स आप कभी नहीं भूलते। और मुझे अपना स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा याद रखा। अपने पूरे स्कूल टाइम पीरियड में कभी इतना इन्जॉय नहीं किया जितना मैंने मैट्रिक में इन्जॉय किया था। और जब इन्जॉय करना शुरू किया तो स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई। सो आई रियली मिस माय स्कूल लाइफ। और अभी जो बच्चे स्कूल में हैं, आई रियली एडवाइस देम कि अपना जितना भी ये टाइम है इन्जॉय कर सकते हैं करें, बाद में स्कूल टाइम बहुत याद आता है। एनीवेज, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रात के खाने की प्रिपरेशन। तो मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, शाम चिकन कढ़ाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी, उसमें मैंने हाफ सैशेट डाल दिया था शान चिकन कढ़ाई का। 3 to 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर दी थी उसमें। और यहाँ पे मेरी अनियंस जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो है वो फ्राई हो रही है, जब तक ये ब्राउन नहीं होती तब तक हम टोमेटोज कट कर लेते हैं। आई ऑल्सो एडिड क्यूमन एंड ज़ीरा। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेट करने रख दिया है 15 मिनट्स के लिए। मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। और मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ भी कट कर लिए। आप लोग सोच रहे होंगे चिकन कढ़ाई में पोटैटोज़, बट क्या कर सकते हैं, माय हस्बैंड लव्स इट दैट वे। यहाँ पे आई टुक हाफ सैशेट जो बच गया था चिकन कढ़ाई का, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आई ऑल्सो एडिड ओरिगैनो पाउडर, मुझे लगता है उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। एंड ऑल्सो आई एडिड 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे रायता की प्रिपरेशन। हाँ जी, तो यम्मी चिकन कढ़ाई हमारी बन चुकी है। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स को गार्निश कर लूँगी एंड इट्स रेडी।
अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं डिनर, इट्स 8:30 और हम अभी से अपना डिनर कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग समर्स में 9:30 और 10:30 डिनर करते हैं, लेकिन विंटर्स में किस किस के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी भूख लग जाती है और 8:30 9 o'clock तक आप डिनर कर लेते हो। उसके बाद बस दिल चाहता है कि बस आराम से बैठ के चिल माहौल में कोई मूवी वगैरह देखो, विंटर्स इन्जॉय करो, नट्स वगैरह खाओ, सर्दियों के यही मज़े होते हैं। और अब हम यहाँ पे खैर ओनो खेल रहे थे और मैं ओनो में हमेशा जीत जाती हूँ और पता नहीं क्यों, बस माय हस्बैंड नेवर यू नो एक्सेप्ट दैट कि उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन अब विनर मैं हो चुकी हूँ, चैम्पियन मैं हो चुकी हूँ और मैं जीत गई थी। और जी, खाना हमने खा लिया है, अब हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अल्लाह हाफिज़। और जी, जब तक आप लोग को ये व्लॉग मिलेगा न्यू ईयर हो चुका होगा, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।